उल्हासनगर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कालानी परिवार ने राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और इस विषय पर ओमी कालानी ने आज पत्रकारों से स्पष्ट किया कि वह सीधे चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और आज ही ज्योति कालानी ने नामांकन भी अपना दर्ज किया है राष्ट्रवादी की तरफ से और राष्ट्रवादी का आईवी फार्म उनके परिवार को मिल चुका है। ओमी कालानी जी कल अपना नामांकन भरने वाले हैं। इस विषय पर भरत गंगोत्री जी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया और उन्होंने यह कहा है कि पार्टी जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ है, वह अंतिम फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं। और वहीं भाजपा ने टिकट नहीं देने के बाद कालानी परिवार राष्ट्रवादी से फिर से चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है और उसी तैयारी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आज ज्योति कालानी ने अपना नामांकन भर दिया है। ओमी कालानी जी कल अपना नामांकन भरेंगे, आइए सुनते हैं। मैं या मेरी माता जी ज्योति कालानी, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे हम चुनाव लड़ेंगे और चुना के भी लाएंगे। कल रात में लेट नाइट, जैसे ये न्यूज़ आने के बाद में जो लेट नाइट काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं और पवार साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने हमको ए बी फॉर्म भेजा है और अकॉर्डिंगली ए बी फॉर्म पे दो नाम लिखने पड़ते हैं, तो एक पहला नाम ज्योति कालानी है, दूसरा नाम ओमी कालानी है। ज्योति कालानी जी का फॉर्म ऑलरेडी आज भर चुके हैं और मैं कल खुद फॉर्म भरने जा रहा हूँ। यही एक बोलना चाहूँगा कि ये कालानी परिवार के साथ एक धोखा किया गया है और हमारे जो अलायंस जो था बीजेपी के साथ में, वो अलायंस के डील का ये एक पार्ट था कि आमदार टिकट जो कि सिटिंग हम है तो हमारे खाते में ही आना चाहिए, ये हमारा डील था और एंड मोमेंट तक मुझे आसरे पे रखा गया शायद ये सोच करके कि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिले। बट हकीकत में भी वही था कि कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, बट अचानक से कल रात में जो परिवर्तन हुआ है कि पवार साहब का फ़ोन आया, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करके और हमें टिकट देने का निर्णय लिया।